आज हम बात करेंगे क्या हुआ था सचिन और ब्राडॉक के बीच। तो दोस्तों, 5 अक्टूबर 2007 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। इंडिया को 291 का टारगेट दिया था। इंडिया ने काफ़ी जल्दी अपने 3 विकेट्स खोए थे। इंडिया को एक अच्छे पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत थी। तभी सचिन और युवराज ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनाया था। युवराज सिंह क्रॉस्ड हिज 50 एंड सचिन वॉज क्लोज टू हिज 50। दोनों ही सेट हो गए थे तभी ब्रैड हॉक का स्पेल चल रहा था। ब्रैड हॉक एक चाइनामैन बॉलर है। जिन लोग को ये चाइनामैन का मतलब नहीं मालूम, उनको बता देता हूँ कि चाइनामैन एक बॉलर का फॉर्म है। ऑफ स्पिन हुआ जैसे रविचंद्र अश्विन, लेग स्पिनर हुआ जैसे शेन वॉन, वैसे चाइनामैन भी एक फॉर्म है। एग्जाम्पल के तौर पर कुलदीप यादव अपने चाइनामैन बॉलर है। कमिंग बैक टू द स्पेल, फर्स्ट बॉल सचिन स्ट्राइक पर रहते हैं और वो इजीली 1 रन निकाल के युवराज को स्ट्राइक पर लाते हैं। सेकेंड बॉल युवराज एग्रेसिवली खेल रहे थे, दैट काउंट्स एज अ सिक्सर। थर्ड बॉल फिर वो स्ट्राइक रोटेट करके सचिन को स्ट्राइक पे लाते हैं। फोर्थ बॉल, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यूजुअली ओडीआई क्रिकेट में कैसे होता है, 6 के रन रेट के हिसाब से प्लेयर्स खेलते हैं। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6 के हिसाब से 300 टारगेट होता है, और 300 एक डिसेंट टारगेट रहता है हमेशा। ऑलरेडी 8 रन्स आ गए थे उस ओवर में, तो सचिन ने फोर्थ और फिफ्थ बॉल डिफेंड ही किया था। सिक्स बॉल शॉर्ट थर्ड और पॉइंट के बीच सचिन फ्लिक करना चाहते थे, बट बॉल काफ़ी ज़्यादा क्विक आई, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो बोल्ड हो गए थे। नेक्स्ट डे जब ये न्यूज़पेपर में आया, इसका प्रिंट आउट लेके ब्रैड हॉक सचिन तेंदुलकर के पास गए फॉर एन ऑटोग्राफ। टेक्निकलिटी के बारे में बात करें तो सचिन चाइनामैन को इजीली खेल लेते हैं। वैसे तो हर किसी को इजीली खेल लेते हैं, बट चाइनामैन को काफ़ी इजीली खेलते हैं। सचिन ने उस प्रिंट आउट पर यह लिखा, इट विल नेवर हैपन अगेन, और अपना ऑटोग्राफ दिया। उसके बाद भी ब्रैड हॉक और सचिन तेंदुलकर 19 टाइम्स आमने सामने आए थे। 19 टाइम्स, ये फिगर सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट का ही है। IPL को मिलाया तो ये फिगर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ब्रैड हॉक कभी भी विकेट नहीं ले पाए। रिसेंटली ब्रैड हॉक ने अपने पर्सनल YouTube चैनल पे ये बात बोली है, एंड ही ऑल्सो सेड आई कुडंट गो एनी फर्दर, ही वॉज टू गुड फॉर मी। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आए। आई होप मुझे आप प्यार और सपोर्ट करोगे एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल मोर एंड मोर। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। थैंक यू, शब्बा खैर।